नमस्ते, मैं YouTube फैमिली धरा यूएसए डायरी के एक नए वीडियो में आप सभी का मैं धरा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किम चो, कैसे हैं आप सब लोग? जय सिया राम, हर हर। आज की वीडियो में आप मेरा मॉर्निंग रूटीन देखने वाले हो, जहाँ पे मैं सुबह उठ के मेरी डॉटर को रेडी करना, उसका लंच टिफिन बॉक्स रेडी करने से लेके स्कूल छोड़ने तक, और बीच में मैं आपको यहाँ के नेबरहुड मोहल्ला भी दिखाऊंगी कि पड़ोस किस तरह का है, यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया किस तरह का है। से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है, आप मेरे पुराने फैमिली मेम्बर हों यूट्यूब पे, तो आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद, आभार कि आपकी वजह से, आपकी अच्छी अच्छी कमेंट्स की वजह से, फीडबैक की वजह से मुझे नया वीडियो बनाने की और नया वीडियो आपके समक्ष लाने की इनकरेजमेंट, मोटिवेशन, उत्साह मिलता है। तो 7:15 बजे हैं, आपने बाहर का वेदर भी देखा, 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। आज है 18 सितंबर 2024 और है बुधवार, और मेरी डॉटर स्कूल पे होममेड लंच ही लेके जाती हैं, तो मैं सुबह चाय दूध बनाने के बाद उसका लंच ये बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सूजी का आटा और थोड़ा गेहूं का आटा थोड़ा इसलिए ऐड कर सकते हो कि सॉफ्ट बने, और गाजर मैंने ऐड किया है, कभी मैं मेथी, कभी पालक, तो उसके जैसे पराठा, ये चीला पुडला या उत्तपम आप कह सकते हो, वो बनाती हूँ। थोड़ी ओनियन भी मैंने ग्रेट करके घिस के डाली, और जब तक वो बन रहा है धीमे ताप पे, मीडियम आँच पे, तब तक मैं मेरी चाय भी पी लेती हूँ। तो हर एक मदर के लिए है, अगर आप न्यू मॉम हो, आपके बच्चे की कोई भी एज हो, पर आप अपने लिए ज़रूर, आपकी बॉडी और सोल के लिए आप नरिशमेंट करते रहिए। सुबह बच्चे को उठाने से पहले आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए, एक घंटा, और फिर थोड़ा अपने लिए समय निकाले। तो ये समय मेरा थोड़ा सोचने के लिए, पूरे दिन की प्लानिंग करने के लिए मैं बिताती हूँ, चाय पीते पीते। बाहर ये देखो, थोड़ी विंडो भी मैंने खोल दी है, तो चौकी शुद्ध हवा भी घर के अंदर आती है, और मैं जो गर्म गर्म ये लंच का चीला पुडला बनाया ना, तो वो भी मैं चाय के साथ खाऊंगी। कभी मैं भाखरी बनाती हूँ, कभी पराठा हो गया, कल ही मैंने आलू पराठा कैरेट के साथ बनाया था, तो वो चाय के साथ मैं नाश्ता कर लेती हूँ। फिर मेरी डॉटर जब उठती है, वो ब्रेकफास्ट करती है, तब उसके साथ हम दूध पी लेते हैं साथ में ही। तो मेरी डॉटर का मैं ब्रेकफास्ट भी आपको आगे दिखाऊंगी। आज उसके लिए पीनट बटर ब्रेड विथ मध, हनी के साथ, दूध और बनाना के साथ वो सुबह का नाश्ता करेगी। और फिर लंच तो आपने देखा ही, वो मैं पैक करूँगी आगे, उसके जैसे थोड़ा ठंडा हो जाए ना, फिर उसके लंच बॉक्स में, बेंटो बॉक्स में, और तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। तो आप भी चाय का कप लेके ये वीडियो देखने के लिए बैठ सकते हो। तो यहाँ पे यूएसए में जब भी ये स्कूल ओपन होती है, तो टीचर की तरफ से बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ टीचर कम्युनिकेट करते हैं कि आपके बच्चे का लंच बॉक्स पे लेबल टैग होना चाहिए कि नाम के साथ, टीचर के नाम के साथ, और कौन से ग्रेड में है। तो मेरी डॉटर किंडरगार्डन केजी में है, तो इस तरह से ये स्नैक बॉक्स, नाश्ता का बॉक्स मैं फिल अभी उसको ये संतरा और सब कट करके रख दूँगी उसके लंच, ये नाश्ते के बॉक्स में। तो मैं अल्टरनेट डे पे कभी एक दिन में फ्रूट देती हूँ, एक दिन में ड्राई नाश्ता जैसे डोरिटोस, टोटियाज, क्योंकि बच्चों को अलग अलग टेस्ट अच्छा लगता है, पर एज ए मदर हमें लगता है कि उसको जितना हेल्दी हम दे पाए उतना हम दे। तो ये नाश्ता बॉक्स हो गया रेडी, और जब तक देखो अभी 7:30 बजने वाले हैं, तो मेरी डॉटर को मैं 7:30 बजे के बाद उठाने जाती हूँ। तो अभी ये चीला भी अभी बस हो ही गया है, हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो उसको भी मैं टिफ़िन में ये भर दूँगी, और सब्जी भी है ही, मूंग दाल मैंने कल बनाई थी, मूंग की सब्जी और राइस और ये पराठा, ये चीला, और इस तरह से हस्बैंड का लंच भी साथ साथ में तैयार हो जाएगा। और थोड़ा ब्रेकफास्ट भी मैंने आपको दिखाया कि मैंने ब्रेकफास्ट में भी मैंने चीला खाया। तो अगर एज ए मदर हम हमारा ध्यान अच्छे से रखेंगे, तभी हम फैमिली का, परिवार का, बच्चों का ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। तो ये सब हम तीनों के दूध के कप भी रेडी हैं, बनाना है मेरी डॉटर के लिए, और मैं भी बनाना खाऊंगी, और चिया सीड्स ये जो मैं रात को भिगो के फिर खाती हूँ ड्राई फ्रूट के साथ। ये चिया सीड्स आपके फ्रूट में भी डाल सकते हो, बनाना, एप्पल, पेयर में भी। और मेरी डॉटर का जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकफास्ट में ये मैं कोस्को से पीनट बटर
लिया है जो कि उसको फेवरेट है। कभी मैं भाखरी भी सुबह सुबह उसके लंच ब्रेकफास्ट में नाश्ते में देती हूँ, कभी ब्रेड उसके ऊपर हनी और पीनट बटर, मूंगफली का बटर, पीनट बटर माने। और अभी नव्या का, मेरी डॉटर का ये स्कूल बैग है जो कि मैं पानी की बोतल के साथ उसका नाश्ता और लंच बॉक्स, दो बॉक्स उसमें अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूएसए में सिर्फ लंच बॉक्स का, खाने की फूड बॉक्स का ही वज़न होता है, बाकी बच्चों को यहाँ पे वज़नदार बुक्स लेके नहीं जानी होती, क्योंकि स्कूल में ऑलरेडी बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक की सिस्टम नहीं है अभी तो, ये अर्ली ग्रेड में, अर्ली धोरण पे। तो ये हो गया लंच बॉक्स में, देखो दही और पुडला को मैंने रोल करके ऐसे रखा है ताकि वो पकड़ के खा सके दही में डुबो के, और गुड़, मेरी डॉटर को जेगरी गुड़ बहुत अच्छा लगता है तो डेजर्ट में गुड़ भी वो खा लेगी। तो इस तरह से ये लंच बॉक्स इसमें रख के फिर उसकी बैग में रख देंगे, और स्कूल में जाके उसके टीचर लंच अटेंडेंस लेते हैं, हर एक स्टूडेंट को पूछते हैं कि आज आप होममेड लंच का ये डब्बा, ये टिफ़िन बॉक्स आप बास्केट में रख दो, हर एक बच्चे बस फिर उसमें रख देंगे। और फिर लंच के टाइम पे 12 बजे के आसपास लंच ब्रेक होता है स्कूल में, तो लंच कर लेंगी, और फिर 2 बजे के आसपास मेरी डॉटर को नाश्ते का ब्रेक होता है तो स्नैक नाश्ता भी कर लेगी। तो इस तरह से इसमें पैक करके फिर अभी मेरी डॉटर के कपड़े जो स्कूल में आज पहनेगी वो निकालती हूँ मैं। ये मेरा हर रोज़ का रूटीन है, सोमवार से शुक्रवार वीकडे मंडे टू फ्राइडे का, बस अलग अलग फूड आइडिया, फूड बदलता रहता है, जो होममेड फूड होता है वो मैं अलग अलग, जैसे पुडला, चीला, पराठा, फिर पास्ता हो गया, कभी नूडल, और ये दूध भी मैं, हम अल्ट्रा स्पेशराइज लेते हैं हमारे फैमिली के लिए, कोस्को का ही है, आप अगर यूएसए में रहते हो तो आपको पता ही होगा, किर्कलैंड का ऑर्गेनिक होल मिल्क जो कि बहुत अच्छा आता है। और अभी मैं जा रही हूँ, मैं अपस्टेयर ऊपर की, हमारे घर के ऊपर के माले पे बेडरूम है हमारे, तीनों बेडरूम ऊपर ही हैं, तो अभी मेरी डॉटर को उठाऊँगी, वो शांति से सो रही है, रात को 8:30-9 बजे उसको सुला देती हूँ तो ताकि नींद भी पूरी हो जाए। तो अगर आपके बच्चे भी 3 साल से लेके 5, 6, 7 साल के हैं तो आप उसको आराम, उसका नींद पूरी हो, उसका पूरा ख्याल रखें, रात को जल्दी सुलाए, सुबह स्कूल में तो जल्दी उठना ही होता है। तो ये हमारा जो दूसरा बेडरूम है उसकी विंडो भी मैं हर रोज़ ओपन कर देती हूँ ताकि चोखी हवा ऊपर के फ्लोर पर भी आए, नीचे तो आपने देखा ही मैंने बैकयार्ड का डोर ओपन कर दिया है, तो ऊपर से भी देखो ये झाड़ पान पेड़ पौधे क्या कलर बदलते देखोगे, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, अभी भी ग्रीन भी इतना सुंदर लगता है, और फिर ग्रीन में से चेंज हो गए, फॉल ऑटम आएगा तो अभी भी बहुत ही सुंदर लगता है ये यहाँ से व्यू, और बारी में से इतनी शुद्ध हवा आती है यहाँ, आप शांति से थोड़ी देर बैठो, मैं कभी कभी मेडिटेशन भी यहाँ पे ओलम विलोम और डीप ब्रीथिंग भी करती हूँ, और सारे भगवान जी को मैं दर्शन कर के फिर सुबह तो उठ के तो किया ही होता है, फिर यहाँ ये रूम में आती हूँ तब ये सारे जो भी हमारे इष्ट देव है उसके दर्शन करके, और मेरी डॉटर भी स्कूल पे जाती हैं तो मंदिर में दर्शन करके ही जाती है, नीचे के फ्लोर पे हमारा मंदिर है, और फिर वो टंकोरी बजा के दिया बत्ती वो भगवान को प्रे करके निकलते हैं हम, और फिर वो उठी, फिर फ्रेश किया, उसको बाथरूम में लेके गई, फिर अभी यहाँ पे वॉश बेसिन के आगे उसके चोटी बना रही हूँ बाल अच्छे से, और फिर एक बार मैं उसको नाक और आँख सब साफ कर दूँगी, और फिर अपने आप ही वो ब्रश कर लेगी, तब तक मैं नीचे जाके उसके ब्रेड गरम गरम टोस्ट कर लेती हूँ, टोस्ट ब्रेड। चलो बेटा टाइम था तो आवे छे स्कूल नो 10 मिनट्स मां स्कूल ट्राई टू पैडल તારી સ્કૂલ શરૂ થઈ પેલા એક્ઝેક્ટલી થોડાક દિવસ પહેલા તે શીખી લીધી ને બેલેન્સ વ્હીલ વગર, ટ્રેનિંગ વ્હીલ વગર સાયકલ ચલાવતા, ઇન્ડિયામાં સાયકલ કે અહીંયા બાઇક કે ને વ્યા બાઇસિકલ ને યુએસએમાં, તો દેખો અભી સુબહ કે 8:50 હુએ હે, 9:10 की देरी है, 9 बजे नव्या की स्कूल के डोर क्लोज हो जाते हैं, राइट नव्या? हाँ। तो फिर प्रिंसिपल की ऑफिस में जाना होता है, पर हम तो टाइम पर पहुंच ही जाते हैं, जब से स्कूल स्टार्ट हुई वॉक करते करते, अगर थोड़ा स्पीड में वॉक करो तो 8 मिनट में पहुंच जाओगे, नहीं तो 10-11 मिनट, ये पूरा 1.5 किलोमीटर जितना है रास्ता, पर मॉर्निंग वॉक भी अच्छी होती है तो मेरी भी अच्छी वॉक हो जाती है शुद्ध चोखी हवा में सुबह की,
और नव्या को साइकिलिंग हो जाती है, मैं उसको जाऊंगी छोड़ने, फिर घर वापस वॉक करके जाऊंगी, तो 3000 स्टेप तो ऐसे स्कूल सुबह ही हो जाएंगे। फिर दोपहर को मैं लेने जाऊंगी स्कूल छूटने के टाइम पे। तो आप हमारा नेबर रोड मोहल्ला भी देख लीजिए, शिकागो यूएसए का रेसिडेंशियल एरिया, क्योंकि मैं आज आपको वॉक करते करते दिखा रही हूँ। तो डिटेल में आप देख सकते हो, ड्रेस भी साइड में पड़ी है। बुधवार को ट्रक आता है, गार्बेज ट्रक, हफ्ते में एक बार। बाकी तो गैराज में ये डस्टबिन रहती है, घर का कचरा आप गैराज में ये डस्टबिन में डाल दो और फिर बुधवार को बाहर रख दो। एक रिसाइकल बिन होती है और एक ट्रैश बिन। यहाँ पे स्कूल के बाहर ये साइकिल पार्क करने के लिए स्टैंड दिया है, चढ़ाई दिया। ओके, तो नविया ने पार्क कर दी है साइकिल। जो लोग स्कूल बस में आते हैं उसकी स्कूल बस सवार है, झाकड़ पड़ी हुई ना, इतने झाकड़ फोग धुम्मस। नविया तो अभी 8:55 हुई, हम 8:50, चलो चलो चलो। तो अभी स्कूल का डोर ओपन है, ये सब यहाँ पे टीचर्स ना उड़ी ले जाए विचे तार अंदर। ओके, पार्क में गर्मी था से लगे कोट रेक में टिंग कर दीजिए। ओके, आई लव यू नविया। नविया पानी पीजे बेटा, अने लंच करी लेजे। ओके, देखो अभी 8:57 हुई, 9:03 की देरी है और हम तो 8:55 को ही नविया को अंदर मैंने ड्रॉप किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है। प्राइमरी स्कूल को यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं और गवर्नमेंट स्कूल ही होती है सब, और सारे बच्चे फिर वो किसी भी मतलब उसकी अर्निंग हो इसके पेरेंट्स की, सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं। तो पहले मेरी डॉटर को मैंने हाफ डे स्कूल में रखा था 9 to 11:30, पर फिर नविया को फुल डे जाना था क्योंकि उसके क्लास में सारे बच्चे फुल डे ही जाते हैं, और नविया ने 3 इयर्स प्री स्कूल भी की है, तो स्कूल से वो उसको अच्छी लगती है स्कूल खेलते खेलते। यहाँ पे उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड और फन लर्निंग बेस्ड है, और बहुत कुछ सीख लिया। अभी तो 1.5 महीना हुआ है नव्या को किंडरगार्टन केजी स्टार्ट हुए, और उसने लिखने से लेके रीड करने तक, और गुजराती होम स्कूलिंग तो घर पे कराती हूँ और यहाँ पे इंग्लिश में तो वो सब सीखती है स्कूल में। देखो यहाँ पे भी सोलार अभी लोग लगवाने लगे हैं अपने रूफ पे, ये कंपनी है सेरटासन, टर्न सनलाइट इनटू सेविंग। तो देखो ये यहाँ पे सोलार पैनल लगा रहे हैं। हमने भी बजट हमारे घर के लिए भी कोटिंग निकाला कराया है, पर ये बजट अभी थोड़ा 15,000 से 20,000 डॉलर यूएस डॉलर का है, और फिर उसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो अभी देखते हैं हम कुछ सालों में सोलार, अगर क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक कार है एक, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक कार बहुत ही यूज़ होती है कम्यूट में, क्योंकि यहाँ पे कार यूएसए में आउट ऑफ इंडिया आप कहीं भी चले जाओ कार आपके हाथ पग होती है, लग्जरी नहीं होती, इसलिए हमारे पास एक फैमिली कार है बड़ी और एक इलेक्ट्रिक कार, जो कि हस्बैंड ऑफिस कम्यूट करने के लिए तो अप डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कार, ताकि पेट्रोल कम यूज़ हो। फैमिली कार में जब हम सब साथ में सब जाते हैं तब बड़ी कार लेके निकलते हैं। तो ये सारे जो पेड़ पौधे के है ना पत्ते के कलर भी अभी 1 महीने के अंदर बहुत ही चेंज हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर लगेंगे, तो वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमारा अपना घर है, अगर आप हमारे नए यूट्यूब फैमिली मेम्बर हो तो मैं बताना चाहूँगी
जब हम पहली बार यूएसए आए 9 साल पहले करीबन, तब तो स्वाभाविक है कि आपको रेंट पर ही आप आते हो। फिर हमने सेविंग की धीरे धीरे धीरे, फिर कोविड के बाद 2021 में हमने अपना घर लिया यहाँ पे, फर्स्ट हाउस इन द यूएसए, और फिर इंडिया में भी हमने अपना घर परचेस किया। तो इस तरह से अभी ये हमारे ओन हाउस में ये चौथा साल हो जाएगा, और हम बहुत ही खुश हैं नेबरहुड से, और बहुत ही यहाँ पे स्कूल डिस्ट्रिक्ट भी बहुत अच्छा है, और नेबर्स भी सारे बहुत ही अच्छे हैं और डाइवर्स नेबर हैं, और आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। और हम जो एरिया में यहाँ पे शिकागो के जो सबर्ब में रहते हैं, तो हम जो यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है रेसिडेंशियल, वो टॉप 10 में आता है पूरे यूएसए में रहने लायक जगहों में। तो उसके लिए हम बहुत ही, हमें खुशी होती है कि हमने हमारा आसरा अच्छी जगह पे यूएसए में लिया है, और हमारे बच्चों की परवरिश हम अच्छी जगह पे कर रहे हैं। और मेहनत, मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था गणेश चतुर्थी के वीडियो में, कि संघर्ष आपको स्ट्रोंग बनाता है, तो हमने भी संघर्ष किया ही है हमारे जीवन में, और धीरे धीरे, और कहते हैं ना बचत आपका बड़ा भाई होता है, जितना आप सेविंग करके चलोगे, आप समझदारी से आपका जीवन निर्वाह करोगे, तो आप अवश्य आपके सारे सपने पूरे कर पाओगे। और भगवान तो हमेशा अपने बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए तत्पर ही होते हैं। बहुत ही अलग अलग होती है, और यहाँ पे कई लोग हाउस की प्राइस भी पूछते हैं, तो ये आप $1 million लेके चलिए, ये सारे हाउस जो हैं जिसकी इन फ्यूचर लाइक विद इन 1-2 ईयर में $10 लाख के आसपास हो जाने वाली है। जब हमने ये परचेज किया तब हमारा हाउस अराउंड $4 लाख $US, तो आप इंडियन रूपी में काउंट करो 80 रुपये 8 चौक, तो अराउंड 4 करोड़ से लेके 5 करोड़ का ये हमारा हाउस है इंडियन रुपीज़ में, और यूएस करेंसी में अराउंड $5 लाख। तो अभी भी ये प्राइस ऑलरेडी हमारे, हमने जो परचेज़ किया था उससे $1 लाख बढ़ गई है प्राइस। तो ये जैसे कि आप आगे वीडियो में भी देखोगे, मैंने कहा है कि हम जो एरिया में रहते हैं वो यूएसए के टॉप 10 रेसिडेंशियल रहने लायक जगहों में से एक है, जिसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बच्चों की स्कूल डिस्ट्रिक्ट की क्वालिटी और उसके रैंकिंग, फिर आजू बाजू जो भी मेडिकल सर्विसेज, सब मिला के सारे क्राइटेरियाज मिला के रैंकिंग बनती हैं कोई सिटी की कोई शहर की रहने लायक। और फिर शुद्ध हवा, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितनी हरियाली है, और जब विंटर होता है तो भी इतना ही सुंदर लगता है अलग तरीके से। और यहाँ पे मतलब पोल्यूशन भी कम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से भी रैंकिंग होती है, तो स्वास्थ्य का भी इतना ही ध्यान, और फिर साइड में वॉकिंग की जो ट्रेल होती है, और बच्चों के लिए जो पार्क होते हैं, ओपन स्पेस होती हैं कुदरत के बीच रहने के, लाइक बच्चों को जो एक्टिविटीज आप सिखा सकते हो करवा सकते हो, तो वो सभी मिला के रैंकिंग बनती है कोई शहर की, तो उसमें ये टॉप 10 में आता है हमारा, ये जो हम यहाँ पे रहते हैं शिकागो के जो एक सिटी में।